state of body in which there is equilibrium in the humors and functions of the body. जब जिस भी इंसानी में जो इक्विलिब्रियम है, जो बॉडी फ्लूइड्स का जो एटॉमिक जौहर है वो अगर बैलेंस रहेगा तो बॉडी के जो फंक्शन है वो नॉर्मली अंजाम दिए जाएंगे, और अगर बॉडी के फंक्शंस नॉर्मल नहीं है, चलने में टेढ़ापन है, गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, या इसके अलावा कोई भी बीमारी पैदा हो रही है, चाहे सोरियासिस हो, चाहे विटिलिगो हो, या स्टेबीज हो, कोई भी बीमारी इसमें इंसानी में अगर पैदा हो रही है, वो इट मींस ये बता रही है कि ये इसके अंदर जो इक्विलिब्रियम है, जो बॉडी ह्यूमर्स है और जो टेम्परामेंट है, उस अगर बॉडी ह्यूमर्स के अंदर चेंजेस आएंगे तो मिजाज चेंज होगा। बॉडी फ्लूइड्स जो चार बताए मैंने, जब उसके अंदर खिलते दम ब्लड के अंदर अगर कोई एबनॉर्मलिटी आएगी तो ब्लड की डिजीज पैदा होगी, चाहे उसका ब्लड कैंसर ले लो या जो भी ब्लड से जनरेटेड डिजीज होगी, और अगर वो खिलते बलगम फ्लेग में अगर कोई खराबी पैदा होती है, एबनॉर्मलिटी पैदा होती है, उसकी क्वांटिटी खराब होती है, उसकी क्वालिटी खराब होती है, तो उसका एटॉमिक जौहर खराब होगा, उसके नतीजे में चाहे जॉइंट्स पेन हो, चाहे आई फ्लू हो, चाहे वायरल जो भी है, इसी तरीके से जो बाइल है, जो सफरावी बीमारी फिर कहते हैं, जो उसको बाइल है, सफरा है, उसके अंदर तब्दीली पैदा होती है, चाहे फैक्टर्स कुछ भी हो, चाहे वो हवा के अंदर गर्मी पैदा हुई हो, हवा में तब्दीली हो, वायरल हो, लेकिन जब तक सफरा के अंदर चेंजेस पैदा नहीं होंगे, उसके अंदर एबनॉर्मलिटी पैदा नहीं होगी, बुखार अपने स्थान को वहाँ पे ग्रहण नहीं करेगा। लंबा बुखार तभी जमता है जब सफरा बाइल्स के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाता है, या तो क्वांटिटी बढ़ गई हो उसकी, या उसकी क्वालिटी खराब हो गई हो, फसाद बात हो गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसको आप पीलिया कह लो, बाइल उसको, तो ये सब चीज़ें पैदा होती हैं, फीवर कह लो, या इसी तरीके से जो वायरल डिजीज होती है उसके अंदर भी सबसे पहले जो सफरा होता है उसके अंदर अटैक करता है, और सफरा के सिम्टम्स क्या हैं कि उसके नतीजे में पैदा होने वाली बीमारी में शिद्दत होगी, बहुत ज़्यादा उसके अंदर सडन ऑनसेट होगा और उसके अंदर शिद्दत होगी, और उसके नतीजे में वो बुखार जो जो आपने नौजिया है, वोमिटिंग है, घबराहट है, बेचैनी है, जो भी आपने देखा होगा, फिर के जो असरात होते हैं उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, वो पैदा होती है तो क्या क्या अपने अंदर असरात छोड़ती है, तो वो असरात उसके अंदर दिखना शुरू होंगे। तो बॉडी में जब एबनॉर्मलिटी पैदा होती है तो जिस तरह के ह्यूमर्स के अंदर, जिस तरीके से बॉडी फ्लूइड्स के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होगा, उसी अंदाज से सिम्टम्स पैदा होंगे और फंक्शंस बॉडी के एबनॉर्मल होंगे। When the equilibrium of the humors is disturbed quantitatively or both, and physiological functions of the body are derailed due to the abnormal temperament of affected organ or system resulting in disease. वही बात कि जब इन चीजों के अंदर disturbance पैदा होगा, ये बिल्कुल तिब्बती यूनानी का